अहम खबर से आगाह करते हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में फराकोगी मिर्जा शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के सासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुलजिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। तफसीलात बताएंगे अब्दुल रऊफ बस्मी जी। अब्दुल रऊफ, तफसीलात से आगाह कीजिए जी। बिल्कुल अब्दुल रऊफ, आपको आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद अदालत अब्दुल रऊफ से भी जाने कोशिश करेंगे। भी आपको बताएं कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में फरागोगी शहजाद अकबर जुल्फी बुखारी के सासे बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुलजिमान की दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। आपको अहम खबर दे दें कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में फरागोगी शहजाद अकबर जुल्फी बुखारी के सासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का भी हुक्म दे दिया है। तफसीलात जानेंगे अब्दुल रऊफ से जी। अब्दुल रऊफ, बताइए इस मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है उसमें मोहम्मद बशीर जज हैं, मोहम्मद बशीर ने शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के तमाम असाजात बैंक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा फराह गोगी, वकील जियाउल मुस्तफा, नसीम और दीगर मुलजमान भी जो है उनके बैंक अकाउंट की मुंजमद करने का हुक्म दिया गया है। जबकि प्रॉपर्टी टाइकोन मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के भी जो हैं जो उनके सासे और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म दिया गया है। मुलजमान के नाम रजिस्टर गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने करा दिए जाने के बाद तमाम मुलजमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जबकि इसके साथ ही चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास हुआ, जिसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 करप्शन केसेस बंद करने की भी मंजूरी दी। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की जो है वो मंजूरी दी गई। जी ठीक है अब्दुल रऊफ, बहुत शुक्रिया आपका।